हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की ये मेकअप ट्यूटोरियल बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल जो क्रिएट हुई है, स्पेशली मैंने क्रिएट की है दुर्गा पूजा के लिए, और या फिर आप करवा चौथ के ऊपर भी इसको यू नो क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज इट हैज़ बोल्ड रेड लिप्स, रेड बिंदी, रेड सिंदूर, एवरीथिंग इज़ सो अप्रोप्रिएट फॉर फेस्टिवल्स। तो चलिए सबसे पहले स्किन केयर के साथ हम एज़ यूजुअल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक टोनिंग मिस्ट लगाया है फ्रॉम जूसी केमिस्ट्री। अब इसी के ऊपर मैं क्लिनिक का मॉइस्चर सर्ज लगाऊंगी। अब देखिए, जब भी आप टोनिंग मिस्ट लगाते हो, रोज़ वाटर स्प्रे करते हो ना, उसके ऊपर मॉइस्चराइजर लगाते हो तो वो लॉन्ग टाइम तक आपकी फेस को, स्किन को हाइड्रेट रखता है, क्योंकि किसी भी मॉइस्चराइज़र में यू नो ह्यूमेक्टेंट की प्रॉपर्टीज़ होती है। जब हम उसको किसी मिस्ट के ऊपर लगाते हैं तो अल्ट्रा हाइड्रेशन आपको मिलती है। सो रिसेंटली डॉट एंड की ने ये ग्लॉस बॉस लिप बाम मेरे को सेंड किए हैं। उन्होंने अपने चारों ही वेरिएंट मेरे को सेंड किए हैं, जिसमें आपको अलग अलग वेरिएंट्स मिल जाते हैं। मैंने आज यूज़ किया है स्ट्रॉबेरी क्रश। ये ग्लॉस बॉस लिप बाम है, विटामिन सी प्लस ई के साथ, SPF 30 इसमें आपको मिल जाता है, और ये वीगन है। टिंटेड नॉन स्टॉप शाइन आपको देता है, एंड एज यू कैन सी इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, बहुत ही ज़्यादा जेल लाइक कंसिस्टेंसी है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा शाइनी एंड ग्लॉसी है, एंड टिंटेड होने की वजह से ना आपके लिप्स को बहुत ही प्यारा टिंट भी देते हैं। ये स्पैचुला इसके साथ नहीं आता, आप अपनी फिंगर्स के साथ इसको अप्लाई कर सकते हो। और आई गेस कितने का मिलता है ये, 250 समथिंग में आपको मिल जाएगा। येस, बहुत अफोर्डेबल भी है। अच्छा जी, अब मैंने अप्लाई किया है लैक्मे का ब्लर परफेक्ट प्राइमर। लैक्मे का ये ब्लर परफेक्ट प्राइमर जो है, स्किन के टेक्स्चर को इवन आउट करने के साथ साथ आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी ब्राइटनिंग भी प्रोवाइड करता है। अगर आपकी स्किन डल रहती है तो आप ये वाला प्राइमर ज़रूर से ट्राई करो, ये ब्राइटनेस भी देता है एंड उसी के साथ आपके फेस के टेक्स्चर को इवन आउट करता है। अच्छा, उसके बाद जब मैंने अप्लाई कर लिया ना, तो आपको ना प्राइमर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। देखो, प्राइमर लगाने से आपके फाइन लाइंस, आपके रिंकल्स, आपके फेस का टेक्स्चर इवन आउट होता है, और उसी के साथ आपका जो फाउंडेशन है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग बन जाता है। जब भी आपको फेस्टिविटीज़ के लिए मेकअप करना है तो प्राइमर लगाना मत भूलें। अब इस स्टेप को आप कम्प्लीटली स्किप कर सकते हो अगर आपके फेस के ऊपर पिगमेंटेशन नहीं है, अगर आपके स्किन के ऊपर डार्कनेस नहीं है। बट बिकॉज मेरी स्किन के ऊपर है, अराउंड माई चिन एंड अराउंड माई नेक, तो स्पेशली वहाँ पर मुझे कलर करेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, अदरवाइज मेरा फाउंडेशन या बेस मेकअप जो है ना बहुत अच्छा नहीं दिखता है। तो यहाँ पे मैंने मिस क्लेयर का लिया था फुल कवरेज ऑरेंज कंसीलर। अब मैंने रेवोल्यूशन का कंसीलर डिफाइन, यहाँ पे फुल कवरेज, वैसे तो ये फाउंडेशन है लेकिन कंसीलर का काम भी करता है। अब इसमें शेड है F1 2.5, ये मेरी स्किन टोन के साथ काफ़ी अच्छे से मैच हो जाता है, और काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी है, और थोड़ा सा ड्राइंग फॉर्मूला है, तो अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप मत लेना इसको, अदरवाइज ऑयली स्किन वाले तो इसको डेफिनेटली ले सकते हैं, जो बहुत सारे काम कर देता है कंसीलर का भी और फाउंडेशन का भी। ठीक है जी, इसको मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है और हाइड कर लिया है, जो भी कंसील करना था उसको कर लिया है। अब मैं मामाअर्थ का ग्लो सीरम फाउंडेशन लूँगी विथ विटामिन सी। इसमें मेरा शेड है टॉफी ग्लो। सिर्फ इसकी 3 ड्रॉप्स में लेके ना अपने पूरे फेस को इवन आउट करूँगी। वो इसलिए क्योंकि देखो, जब कंसीलर वगैरह तो हर चीज़ अप्लाई कर ली, लेकिन फेस एंड नेक हर चीज़ को अपने इवन आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, ताकि एक जैसी दिखे आपकी स्किन। और उसके बाद फिर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से, और यू कैन सी मेरा जो बेस था ना आज बहुत ही फ्लॉलेस दिख रहा था, दैट आई रियली लाइक, क्योंकि जब भी हम मेकअप करते हैं तो बेस अच्छा दिखता है, और ग्लॉस बॉस इज़ लुकिंग सुपर्ब, यू कैन सी। अच्छा जी, उसके बाद फिर मैंने लिया है डार्क कंसीलर शेड मेकअप रेवोल्यूशन वाले में ही, और इसको मैं एज अ कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ, लिक्विड कॉन्टोर। अच्छा, जल्दी जल्दी ड्राई नहीं होता ना, तो आपको टाइम मिल जाता है थोड़ा सा ब्लेंड करने में। ग्लॉस बॉस जो लिप बाम है ना, अगर मैं बताऊँ, इसमें आपको वाटरमेलन रश, मैंगो पैशन, कोको मिंट एंड जो शुगर स्ट्रॉबेरी क्रश मैंने लगाया, ये आपको चारों मिल जाते हैं वेरियंट्स, तो आप कोई भी ले सकते हो। एंड लिप्स को एक्सट्रीमली हाइड्रेट करते हैं, मॉइस्चराइज करते हैं, नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके ड्राई चैप्ड लिप्स हैं तो डेफिनेटली आप, वैसे ना इसको आप डेली बेसिस के ऊपर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी अच्छे ग्लॉस का काम भी करें ना, और काफ़ी चीप है, 12 ग्राम क्वांटिटी मिल जाती है, अच्छी खासी क्वांटिटी भी है। सो यहाँ पे मैंने अपना कंसीलर, कॉन्टोर, बेस सब कुछ कर लिया है। अब मैं यहाँ पे लिप एंड चीक ब्लश लगाऊंगी फ्रॉम ब्लू हेवन रोस्टेड बेरीज में, मेरा फेवरेट शेड, और इसको थोड़ा बिल्डअप करके अप्लाई करती हूँ मैं धीरे धीरे, ठीक है, और ब्यूटी ब्लेंडर की ऐसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा, क्रीम ब्लशेस का ये भी फ़ायदा है, एक तो ब्लेंड बहुत अच्छे से होते हैं, और इनको आप बेयर स्किन के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, ज़रूरी नहीं आपका बेस बना होना चाहिए, बिकॉज बेयर स्किन के ऊपर अप्लाई करते हो ना तो ऐसे लगता है आप विद इन क्या कर बोलते हैं
ब्लश कर रहे हो। अच्छा, पेटेज महल का यहाँ पे मैंने ये पैलेट ली है कॉन्टूर एंड हाईलाइट, इसमें से ये बनाना पाउडर लेके ना मैंने कंसीलर को सेट के लिया है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा कंसीलर आज नहीं अप्लाई किया था बिकॉज ये ब्राइटनिंग पाउडर है, जो ये बनाना पाउडर है ना, ये इटसेल्फ ही बहुत ही अच्छा ब्राइटनिंग पाउडर है, तो इस वजह से मैंने एक्स्ट्रा कंसीलर अप्लाई नहीं किया। और उसके बाद फिर मैंने लिया है नेक्स का प्रोफेशनल मेकअप कांट स्टॉप वॉन्ट स्टॉप कॉम्पैक्ट, ये मैंने रिसेंटली परचेज किया था एंड दिस इज़ माय फेवरेट, बहुत अच्छे से ऑयल को कंट्रोल करता है। और एक चीज़ और बताती हूँ, जब भी आपको कहीं पे बाहर मेकअप करके लगा के जाना है ना, तो हमेशा यही याद रखिए कि लेस इज़ मोर, बिकॉज मेकअप में तो लेस इज़ मोर। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लगाओगे ना, एक तो आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा ड्राई पैची बन जाएगा, केकी दिखेगा और ब्लेंड अच्छे से नहीं होगा। अगर आप बिगनर हो तो ब्लेंडिंग आपको अगर नहीं पता कितनी करनी है तब भी दिक्कत हो जाएगी, तो कम कम क्वांटिटीज़ में अप्लाई करो। मिस क्लेयर का ब्लश लूँगी मैं, ये ब्लश एंड हाइलाइटर दोनों का ही काम करता है, ठीक है। अगर आपको सटल सा हाइलाइटर चाहिए ना, तो आप इसके साथ भी हो जाएगा आपका। और 19 नंबर ये शेड जो है, बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है ये, और किसी भी स्किन टोन के ऊपर, स्पेशली डस्की स्किन टोन के ऊपर तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ब्लश को हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगाइए, अपने फेस फीचर्स के अकॉर्डिंगली अप्लाई करो। और हल्का सा नोज़ पे भी मैंने लगाया, क्योंकि आजकल ट्रेंड चल रहा है ना ये, तो अच्छा भी लगता है। और उसके बाद मैंने लिया है बटर ब्रॉन्ज़र, फिजिशियन फार्मूला का बटर ब्रॉन्ज़र लिया है, और इसके साथ में अपने फेस के ऊपर एक कम्प्लीट ये इसकी फ्रेग्रेंस इतनी बटरी, इतनी कैरमली सी फ्रेग्रेंस होती है इसमें। अच्छा, और उसके बाद फिर मैंने फेस के ऊपर इसको अप्लाई किया, जैसे जिसके साथ थोड़ी वार्मथ ऐड होगी और फेस थोड़ा सा पतला लगेगा, क्योंकि इससे पहले ही ब्रेक लेके ना बीच में मैंने पिज़्ज़ा ठूसा था, क्योंकि संडे वाले दिन वीडियो शूट किया ना, तो संडे को कुछ ना कुछ बाहर से हो ही जाता है। अच्छा, फिर ब्लू हेवन का पॉप एंड ग्लो चिक एंड पता नहीं ये हाइलाइटर ना, एक तो पैकेजिंग झोल है, रोज़ ग्लो रोज़ गोल्ड वाली पैकेजिंग में गोल्ड डाला हुआ है, तो एक तो थोड़ा सा निकालो तो बहुत ज़्यादा निकल जाता, तो मेरा बहुत वेस्ट हो गया था बिकॉज यू नीड टाइनी बिट ऑफ हाइलाइटर, लेकिन बहुत ज़्यादा निकल गया था। अच्छा जी, फिर मैंने शुगर का लिया है सेटिंग स्प्रे, ड्यू सेटिंग स्प्रे, और इसके साथ खूब सारे स्प्रे करने के बाद मैंने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से जितना एक्सेस जो भी मेरे फेस के ऊपर था, चाहे वो पाउडर था, ब्लश था, हाइलाइटर था, उसको पिक कर लिया है। 2-in-1 काम हो जाता है इसमें, कम पंजाबी आ गई बीच में, आपका जो है बेस भी सेट हो जाएगा, एक्सेस जो होगा वो भी निकल जाएगा। मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल लेके पहले तो स्पूली के साथ थोड़ा कॉम किया है, जितना प्रोडक्ट है उसको क्लीन किया है, और फिर मैंने पेंसिल को बहुत पीछे से पकड़ा है, जिसके साथ मेरी पेंसिल के ऊपर कंट्रोल या फिर ज़ोर ज़्यादा ना पड़े, बिकॉज ऑफकोर्स इसी वजह से क्या होता है कि कई बार डार्कनेस हो जाती है, कई बार हम ज़्यादा ही ओवरडन कर लेते हैं, तो हमेशा मैं आईब्रोज में, जैसे मैं बताती हूँ कि हमेशा बॉर्डर्स को लाइन करो, बॉर्डर्स को ड्रॉ कर लोगे ना तो बीच के पोर्शन को फिल ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। बाकी देखो, स्पार्स एरिया जो रहते हैं, जो गैप्स होते हैं, उनको तो फिल करना ही रहता है, लेकिन मैं स्पूली के साथ काफ़ी हद तक काम चला लेती हूँ ताकि वो थोड़ा ज़्यादा नेचुरल दिखे। अब मैंने फिर से वही स्विस ब्यूटी का ये लिया है जेल, आईब्रो जेल, ये तो आजकल मेरी फेवरेट बन गई है। इसके साथ जो आईब्रो सेट होते हैं और ऊपर से एकदम ऐसी बुशी सी, ऐसी फुल सी लुक मिलती है, बहुत ही अच्छी लगती है। स्पूली वगैरह सब चीज़ें इसके साथ आपको मिल जाती, थोड़ा सा वाटर या कोई सेटिंग स्प्रे के साथ इसको एक्टिवेट करो एंड यू आर डन। फिर मैंने नायका का यहाँ पे काजल लिया है, ब्लैक आइज काजल, और बहुत ही प्यारा काजल है ये, लॉन्ग लास्टिंग है, और इसको वाटर लाइन में फिल करके, पहले वाटर लाइन में फिल किया, फिर मैंने आउटर लाइन पे, मतलब आउटर साइड पे थोड़ा धीरे धीरे इसको मोटा कर लिया। फिर मैंने नायका की ये आई शेडो पैलेट लेके, इसमें से ब्लैक आई शेडो लेके ना, मैट ब्लैक, इसको सेट कर लेंगे ताकि हमारा काजल जो है और भी लॉन्ग लास्टिंग बन जाए। और हल्की सी विंग नीचे से ही ड्रॉ की है मैंने, ठीक है, और फिर उसको एक्सटेंड करके हम ऊपर की लैश लाइन के पास थोड़ा सा स्मज कर लेंगे, और क्योंकि इसको ना मुझे स्मज ही करना था, इसलिए ज़्यादा प्रिसाइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो छोटा सा फ्लफी ब्रश लिया है स्विस ब्यूटी का, और यही पैलेट में से मैंने ये एक रेडिश ब्राउनिश टोन में ये कलर लेके ना, इसके साथ मैं अपने काजल को ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग में हमेशा बहुत ज़्यादा टाइम लगाइए, और ऊपर की लैश, ऊपर की तरफ भी मैंने जहाँ पे काजल पाया था उसको ब्लेंड कर लिया। अच्छा, उसी ब्रश को क्लीन करके किसी के ऊपर मैंने ये लाइट शेड लगाया, इसके ऊपर पेंट को क्लीन किया है, और उसके बाद मैंने ये पिक्सी की ग्लिटर्स लिए,
इधर जैसे लेकिन प्रेस ऑन लेते हैं ब्रश नहीं किया और स्टिक कर दिया, मैंने नहीं लगाया था क्योंकि ऑलरेडी प्रेस ऑन लेते हैं नॉन स्टिक कर रहा था। तो मैंने बस कहा था ये आई लाइनर लिया है मेबिन का के पास का हाँ जी है ये इसके साथ में एडिट हो गया मस्कारा भी अप्लाई करने के लिए लैशेज भी लगाएंगे और फिर मैंने हाँ आई थी और ब्राउज में हाईलाइटर मैंने ब्राउज में चला गया था तो उसको मैंने दोबारा से स्क्रीन के साथ क्लीन कर दिया था और फिर मैंने लिया एल की लिपस्टिक एंड ब्यूटीफुल रेड लिपस्टिक शेड है बहुत बहुत प्यारा शेड है और ये दस किस के ऊपर जो मेरा रेड शेड इतना प्यारा लगता है बहुत ही प्यारा लगता है। और सबसे मेकअप तो हो गया कम्प्लीट, फिर मैंने ना सोचा ये नेकलेस नहीं ये नेक पीस पहन लेती हूँ, बट ये बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था दोनों चीज़ें तो मैंने रिमूव कर दिया और फिर मैंने सिर्फ सोचा कि ये हैवी ईयरिंग्स ही पहन लेती हूँ। और हैवी ईयरिंग्स पहन लिए और उसके साथ जो ज्वेलरी आती है पता नहीं उसको क्या बोलते वो पहन लिए और फिर अपनी साड़ी पहन ली, सिंदूर लगा लिया, बिंदी लगा ली एंड इसी के साथ हमारी मेकअप लुक हो गई है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को ये मेरी ब्यूटीफुल दुर्गा पूजा मेकअप लुक या फिर करवा चौथ मेकअप लुक आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों को कैसी लगी है प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताना एंड वीडियो अच्छी लगी है डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय बाय टेक केयर।